हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, देखिए IMECID का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है 19 जून से। इसका लास्ट डेट है 26 जून, मतलब 26 जून 12 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको IMECID का जो कैंपस है, मतलब IMU कैंपस में अगर आपको एडमिशन चाहिए फॉर BTEC मरीन इंजीनियरिंग एंड फॉर BSc नॉटिकल साइंस, आपके पास अभी एक दिन का टाइम है। 26 जून लास्ट डेट है इसका। तो अभी अगर आप नहीं फिल किया है उनका काउंसलिंग का फॉर्म, देखिए उनको आपको पहले इनका वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप फिर पहुँच जाएंगे इस पेज पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको पूरा गाइडलाइंस क्या 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 चाहिए, मतलब क्या क्या प्रोसेसिंग है, क्या स्टेप्स है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 19 जून एंड रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 26 जून। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपके एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड, ये वाला जो नीचे कोड आ रहा है इसको डाल के लॉगिन करके फिर आपको आपका काउंसलिंग के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इनका प्रोसेस क्या है, आप जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे पहला वाला ऑप्शन पे कि गाइडलाइंस फॉर फिलिंग द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो यहाँ पे पूरा आपको गाइडलाइंस आपको पूरा डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मैं जैसे डाउनलोड किया था, देखिए काउंसलिंग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा आपका, देखिए यहाँ पे पूरा क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको भी देख सकते हैं। प्लस देखिए आप जो नीचे वाला है ये भी आप डाउनलोड करके आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा स्टेप वाइज लिखा हुआ है। पहले आपको लॉगिन करना है, फिर देखिए नंबर सेकेंड स्टेप में है। यहाँ पे कुछ आपको मेडिकल फिटनेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेगा, आपको उसका करेक्ट पर्टिकुलर मतलब करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, फिर नंबर थ्री में क्या है कि अगर आप रिजल्ट एवरेज स्टूडेंट करके अगर आप फॉर्म फिलअप किए थे फॉर्म फिलअप के टाइम पे, तो अब तक आई थिंक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। तो आप ही आपको वो वाला जो एकेडमिक डिटेल्स का पेज में जाके अभी आपको आपका जो नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है जो मतलब क्लास 12 में जितना नंबर मिले आपको डालना पड़ेगा। फिर नंबर फोर में देखिए आपको अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, और नंबर फाइव में फिर क्लिक सबमिट। और देखिए यहाँ पे बोला है कि फिर आपको आपका जो आपका कोर्सेज, आप जो कोर्स करना चाहते हैं और आप कहाँ से करना चाहते हैं आपको प्रेफरेंस चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस चूज़ कीजिए। तो सपोज कीजिए कि आपका पहला इच्छा है कि फर्स्ट चॉइसेस है कोलकाता कैंपस, तो आप वहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस में कोलकाता लगेंगे। सेकंड प्रेफरेंस होगा आपका कि कोची कैंपस, फिर आप सेकंड प्रेफरेंस में कोची रखेंगे। फिर थर्ड होगा अगर आपका IMU मतलब नेवी मुंबई कैंपस, फिर आप थर्ड में वो वाला कैंपस चूज़ करेंगे। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन रहेगा चूज़ करने का। तो ये सब करने के बाद फिर आपके इस पे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, फिर OTP देने के बाद फिर आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका फिर रिजल्ट आपका फिर देखिए लिखा हुआ है देयर आफ्टर क्लिक ऑन कन्फर्म एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट, ऑनलाइन काउंसलिंग पेमेंट विल बी शोन, क्लिक ऑन प्रोसीड फॉर पेमेंट टू मेक पेमेंट ऑफ ₹10,000। आपका मतलब काउंसलिंग का जो फीस है वो ₹10,000 है। उसके बाद यू कैन डाउनलोड द प्रिंट कॉपी ऑफ द फॉर्म शोइंग द चॉइस फील्ड एंड लॉग आउट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो फिर आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं cd2024@imu.ac.in। तो ये इसका प्रोसेस है, आपके पास एक दिन का टाइम है, आप जल्दी से इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, बिकॉज काउंसलिंग के बिना फिर आपको तो IMU का कैंपस नहीं मिलेगा। और अगर आप BTEC करना चाहते हैं तो बता दो कि IMU कोलकाता कैंपस भी बहुत अच्छा है फॉर BTEC मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। ठीक है, और BSc के लिए भी आपका अगर आप भी करते कि तो मेरा सजेशन मानिए तो IMU नेवी मुंबई कैंपस भी बहुत अच्छा है फॉर BSc नॉटिकल साइंस। ठीक है, तो ये चीज़ बोलने के लिए मैं वीडियो बनाया था। आप जल्दी इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपके जो भी दोस्त फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उनके साथ भी रिश्ते उनको इन्फॉर्मेशन मिलता जाए। तो आज वीडियो खत्म करता हूँ, टेक केयर एंड बाय।